अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शूटिंग वॉलीबॉल की नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज हम आपको शूटिंग वॉलीबॉल की टीम्स में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करेंगे। दोस्तों आजकल हमने देखा है कि इमरान लाडो गुजर जो हैं वड़ैज क्लब को छोड़ के सरदार अख्तर खान बलोच के क्लब में चले गए हैं, उसके बाद मियाँ सुफियान भी गए हैं तो सरदार के क्लब से, फिर आमिद गुजर चले गए हैं वड़ैज क्लब में। तो ये सारी जो चेंजिंग आ रही हैं कि ये इसकी वजह क्या है, तो एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतनी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, खिलाड़ी क्यों एक क्लब से दूसरे क्लब में जाते हैं। पहले जो क्लब होते थे तो वो एक ही क्लब होता था, जिस तरह आजकल के दौर में समोड क्लब है, इसके प्लेयर ना कहीं हमजा बाहर चले गए हैं तो वो एक और मकसद था उनका, अपनी इसके लिए चले गए हैं नौकरी के लिए। तो वड़ैज क्लब और जो हाल ही में नया क्लब बनाया है चौधरी बासित क्लब, इसके प्लेयर अभी तक अपने सेटू में मुकीम है, बाकी चेंजिंग होती रहती है। तो सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है वो वड़ैज क्लब में आई है। तो वड़ैज क्लब के दो मेन प्लेयर इमरान लाडो गुजर पहले गए हैं, उसके बाद मियाँ सुफियान भी चले गए हैं। तो मैं मियाँ सुफियान की बात करूँगा कि इसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मियाँ सुफियान बहुत अच्छा स्पेशर है, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वड़ैज क्लब में ना आ रहा है नूर अयाद कलर, जो एक बहुत बड़ा स्टार प्लेयर था जवानी के टाइम, अब उसकी गेम ख़त्म हो गई है। लेकिन उसको मैंने खुद देखा है कि कांजू स्टेडियम में और तलागंग में मैचेस जितने भी हुए हैं वड़ैज क्लब में वो शामिल था। तो ये तीन समेशर थे, मियाँ सुफियान, रैनूर अयाद खरल और नवीद वड़ैज। मियाँ सुफियान को पूरा मौका नहीं मिल रहा था, तो मियाँ सुफियान ने मेरे ख्याल मुताबिक अच्छा डिसीजन किया है कि उसने वड़ैज क्लब को छोड़ दिया है। वड़ैज को भी सोचना चाहिए था कि रैनूर अयाद खरल की गेम वो नहीं रही जो पहले गेम थी उसकी, तो इसलिए तो मियाँ सुफियान चले गए हैं। तो हामिद गुजर भी छोड़ के वड़ैज क्लब में आ गया है। ये सारी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, खिलाड़ी आते रहते हैं जाते रहते हैं। बहरहाल मियाँ सुफियान को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो सरदार अख्तर खान के क्लब के सरदार अख्तर खान बलोच के क्लब को ज्वाइन करना चाहिए।